नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शत्रुघ्न सिन्हा की नरेंद्र मोदी को चुनौती, हिम्मत है तो कार्रवाई करें। भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर खुद की ही पार्टी पर करारा हमला बोला है। इस बार उन्होंने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी में भी इतनी हिम्मत या डीएनए नहीं है कि मुझे निशाने पर ले सके। शत्रु ने पार्टी की आलोचना करने के कारण अपने खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का उपहास उड़ाया और कहा कि ना समझ लोगों द्वारा कार्रवाई की बात करना महज गीदड़ भभकी है। शत्रु ने ट्वीट किया कि कुछ निहित स्वार्थी अभी भी हैं, वो कोई भी सबक सीखने के लिए इनकार कर रहे हैं, अब भी गलत सूचनाओं के जरिए गलत फहमियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। पेरिस में 3 आतंकवादी मार गिराए, 5 संदिग्ध भी गिरफ्तार। पेरिस हमलों के मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में बुधवार को फ्रांसीसी पुलिस ने सैन डेनिस इलाके में स्थित एक मकान पर छापा मारा। भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों के मकान में घुसने का प्रयास करने के दौरान आत्मघाती विस्फोटक जैकेट पहने एक महिला ने खुद को विस्फोट कर उड़ा दिया। तड़के करीब 4:30 बजे मकान की घेराबंदी कर दी गई और दोनों पक्षों के बीच 4 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी हुई। इस कार्रवाई में 2 व्यक्ति मारे गए और 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक जानकारी के मुताबिक पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अबाउद भी मारा गया। रूस ने परमाणु बमों से लैस विमानों से आईएसआईएस पर हमला किया। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रूस ने निर्णायक लड़ाई छेड़ते हुए अपने सबसे खतरनाक और परमाणु बमों से लैस बैकफायर बियर और ब्लैकजैक जैसे भारी बमबर्षक विमानों से आईएसआईएस के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। आईएसआईएस के 14 से अधिक ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस हमले में रूसी विमानों ने 34 क्रूज मिसाइल दागे जिन्होंने आईएसआईएस के खेमे में कहर बरपा दिया। उल्लेखनीय है कि रूस की वायुसेना की भारी बमबर्षक स्क्वाड्रन पैसे की कमी की वजह से हैंगर में भेज दी गई थी। सामाजिक विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास में भ्रष्टाचार को मुख्य चुनौती करार देते हुए कहा कि आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। मोदी ने 6th ग्लोबल फोकल प्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑन एसेट रिकवरी का उद्घाटन करते हुए कहा कि वंचितों, गरीबों और किसानों को उनके अधिकार दिए जा सकते हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भ्रष्टाचार से निपटना होगा। बारिश के कारण भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट का बुधवार को 5वां और आखिरी दिन भी बारिश और गीले मैदान की भेंट चढ़ गया। इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। मैच का लगातार यह 4th दिन था जब बारिश और गीले मैदान के कारण खेल संभव नहीं हो सका। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।